हुक्का जब जाते हैं तो हुक्का का जो एक घंटे का सेशन है, आपको पता है कि उसमें जितना हम स्मोक लेते हैं वो इट इज इक्वल टू 200 सिगरेट्स। 200 सिगरेट का स्मोक हम ये एक घंटे में लेते हैं। सिगरेट पीने कोई जाएगा तो 5 मिनट में 10 मिनट में सिगरेट खत्म हो जाएगा, बट हुक्का पाने में लोग घंटों बैठते हैं। और ये जो एक घंटे में एक जो हुक्का का उसका सेशन होता है उसमें 200 सिगरेट्स का वो लोग स्मोक अंदर लेते हैं। टू बी वेरी प्रिसाइज, एक हुक्का सेशन में कम से कम 9 लीटर स्मोक अपने लंग्स के अंदर जाता है, शरीर के अंदर जाता है, जबकि सिगरेट में इट इज हार्डली 600 ml। तो डिफरेंस इज वेरी ह्यूज। और ये नहीं है कि ये स्मोक बिल्कुल हानिकारक नहीं है, ये स्मोक बहुत हानिकारक है। जैसे मैंने बताया कि 82 डिफरेंट कार्सिनोजन आते हैं अपार्ट फ्रॉम निकोटीन। हुक्का से हमको आदत नहीं लगती है हुक्का में तो निकोटीन, ऐसा नहीं है। हुक्का इज ऑल्सो एडिक्टिव, जैसे सिगरेट की आदत लगती है बिकॉज ऑफ निकोटीन एंड अदर प्रोडक्ट, वैसे ही हुक्का की भी धीरे धीरे आदत लग सकती है। ये जरूरी है पता करना कि जब ये हुक्का लेने जाते हैं हुक्का पार्लर्स में, तो जो साथ में दोस्त जाते हैं, समझो आपका बच्चा जाता है बोलता मैं हुक्का नहीं लेता हूँ, बट ही सिटिंग इन अ एनवायरमेंट जहाँ पे हर जगह से धुआं जा रहा है और एक हुक्का पार्लर में कम से कम 10 लोग हुक्का ले रहे हैं, तो जो पैसिव स्मोक आता है, हुक्का का स्मोक अंदर तो रखते नहीं है, दे विल ऑलवेज ब्लो इट आउट, दे ट्राई डिफरेंट थिंग्स, रिंग्स बनाना, कुछ और शेप्स बनाना, आई डोंट नो। तो बट इससे जो है ज़्यादा देर धुआं जो है मुंह में भी रहता है, और जो सामने बैठा है जो नहीं पी रहा है हुक्का, उनको भी पैसिव स्मोकिंग, पैसिव एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको भी ये नुकसान कर सकता है।